शादी रोज सी ओ मैया, मैंने तुमको कथा सुनाई। चले जाए तो ना कहियो जा बहना नाई कसाई। इन सात रोजों में आपकी बहन से, इस बेटी से कुछ त्रुटियां हुई हो तो अबोध बालक समझ के, अपनी छोटी बहन समझ के क्षमा करें। साती रोज से हो मैया, मैंने तुमको कथा सुनाई। चले जाए तो ना कहियो जा बहना नाई कसाई। लाला राम भैया, केपी भैया, वीरपाल भैया, पूरन राणा जी, श्रीमान दानवीर भैया, पूरन सिंह, दुष्यंत, पूरन राणा, इन सभी भाइयों की तरफ से मेरा यहाँ तक आगमन हुआ है। मेरे पास फॉर्म आया था श्रीमान केपी भैया जी की तरफ से, जिन्होंने सच में मुझे अपनी छोटी बहन बना करके, अपने गले का हार बना करके छोटी बहन को रखा। ताऊजी की तरफ से मुझे मेरे बड़े भैया का प्यार मिला, भानु भैया की तरफ से, और श्रीमान गोविंद ताऊजी की मैं कहां तक बड़ाई करूं, क्योंकि जब जब घर में घुस करके आते थे, जब जब घर पे आते थे तब यही पूछते थे, वो बेटी कहां है, कुछ खाया उन्होंने, शायद है साथ रोज मेरे ये मालूम नहीं पड़े किस तरह से व्यतीत हो गए। मुझे आप सभी का इतना स्नेह मिला, इतना प्यार मिला, जो आप सभी का स्नेह इस बेटी को विदाई की बेला बिछुड़ने पर रोने के लिए मजबूर कर रहा है। दिन दिन करी की प्रीत लगे।
पार्टी वाले भाइयों ने तन मन से हम लोगों की सेवा की, किसी प्रकार का कोई खेद नहीं होने दिया, कोई कष्ट नहीं होने दिया। तहे दिल से आभार करती हूँ अपने सभी भाइयों का। और गांव दूधापुर के ही नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता ने भी आकर के, दूर दूर से आकर के इस बेटी को अपना अलौकिक प्यार दिया। कैसी तो नीलाल लगी, कैसी तो नीलाल लगी, और कैसी जुड़ी गई बहन बेटी, कैसी जुड़ी गई हम पर प्यार मिला। बहन आरती, यशोदा, सर्वेश, सरोज, कौशल्या और भागवती और बहन गंगा देवी और बहन रानी, इन सभी बहनों ने मुझे बड़ा अलौकिक प्यार दिया। हमारे कमेटी वाले भाइयों के परिवार ने भी मुझे अपनी लाडली बेटी का प्यार दिया। समस्त क्षेत्र की जनता ने अपना एक खिलौना बनाकर के मुझे रखा। मुझे मेरे पिता का प्यार मिला हमारे शिवार परीक्षित महाराज जी की तरफ से। आभार प्रकट करती हूँ। हम दूरी हम पास रही नेता मिली, हम पास रही नेता बोलन से बड़ी गई प्रीत मैया, बोलन से बड़ी गई प्रीत, हम परदेसी लोग नैन दुख से
बैठी हुई हूँ, कथा कह रही हूँ। सबसे बड़ी देन है मेरे माता पिता की, गुरुदेव की। मेरे माँ बाप ने मुझे इस काबिल बनाया। पहले तो कन्हैया से एक ही बात कहूंगी, प्रभु मुझे संसार में मत भेजना। अगर तुम मुझे भेजो तो जन्मों जन्म मुझे यही माँ बाप मिले, जिन्होंने मेरी मंजिल दिखाने के लिए अपना सुख नहीं समझा। राजकुमार पिताजी मेरे गाँव का सोनी बसैया, राजकुमार पिताजी मेरे गाँव का सोनी बसैया, हमें ये छोटी बहना वीरन तो ही मेरे भैया। जो भी चिमटा बजा रहा है, मेरा अपना माँ जाया भाई है राहुल, जिसका काम है सुबह ब्रह्म मूर्ति में पाठ करना, यज्ञ कराना, और लोगों की विशेष मांग पर चिमटा भी बजा देता है। और जो ढोलक बजा रहे हैं हमारे शिवम भैया जी, ये इटावा के रहने वाले हैं। जो घड़ा बजा रहे हैं धर्मेंद्र भैया जी, ये डिस्ट्रिक्ट सहजान कलान के रहने वाले हैं। हमारे पास में बैठे हैं हमारे मामा जी, जिन्होंने हमसे पहले कथा कही, श्रीमान अवधेश यादव जी। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन सब कुछ दीनो है प्रभु जी ने, फिर भी किस्मत की खोटी, सब कुछ दीना है प्रभु जी ने, फिर भी किस्मत की खोटी, गुरु गंगा जी मेरे साथ छोड़ गए, उनकी याद भी रहती होगी। संगीत मेरे गुरुवर ने इस लायक है बनायो, बताओ आज मैं जा रही मन में छाई है, ग्राम दू दापुर के सब ही बिछुड़ रहे बहन भाई है। Yeah, yeah.
आप सब से भी छुड़ने की हमारी बारी आई है। जवान काम नहीं कर रही है, इसलिए कहना है वह ना जाती अपने काम सबको काम वह ना जाती अपने काम सबको राम राम और करूंगी, आप हमें भूलो भूल जाना, आप हमें भूलो भूल जाना, आप लोगों को हमें भुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमें भूलो भूल जाना, लेकिन लेकिन आपसे एक निवेदन है, आपको भूला भूली चुप जाइए, लेकिन निवेदन है इन सात
रोजों में आपकी बेटी से आपकी बहन से जो भी त्रुटियां हुई हो अब वो बालक समझ के अपनी गोदी का खिलौना समझ के सभी क्षमा करें, क्योंकि आप सभी ने बड़ा स्नेह दिया, बड़ा प्यार दिया। शायद आप सभी के इस स्नेह को, आपके इस प्यार को ये बेटी नहीं भुला पाएगी। तहे दिल से भगवान के मैं बंदुक भक्तों का वंदन अभिनंदन करती हूँ। सदा मैं आप सभी की आभारी रहूंगी।